तो कैसे हो आप लोग। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेकफेस्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि यूपीआई क्या होता है और यूपीआई से हम कैसे शॉपिंग कैसे कर सकते हैं मार्केट में विदाउट एनी कैश पे किए बिना, विदाउट उससे उसके अकाउंट नंबर जाने बिना, उसे कैसे हम वर्चुअल आईडी के जरिए हम उसे उसका क्या अमाउंट पे कर सकते हैं, कैश पे कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही सब सीखने जा रहे हैं कि यूपीआई क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कंप्लीट उसका सेटअप कैसे करना है, हमें कैसे लिंकअप करना है हमें अपने वर्चुअल आईडी को अकाउंट के साथ। ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखते सीखेंगे। इस वीडियो को टिल द एंड तक कंप्लीट देखते रहिए और सीखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई का जो मीनिंग होता है वो है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और हर बैंक का यूपीआई ऐप होता है अपना। तो और जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप उस बैंक का यूपीआई ऐप यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी और बैंक का भी यूपीआई ऐप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपका जिस बैंक में यूपीआई अकाउंट है उसी बैंक का यूपीआई यूज़ करना है। तो ज़्यादातर मोस्टली सबके पास एसबीआई का अकाउंट होता है, तो यहाँ मैं एसबीआई का यूपीआई ऐप यूज़ कर लूँगा। तो एसबीआई का जो यूपीआई ऐप है उसका नाम है एसबीआई पे। तो आप प्ले स्टोर में जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, मैंने दे रखी है। तो मैं सिंपली से ऑन कर लूँगा। ऑन करते ही आपको पूछेगा कि आपका बैंक के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपका इस मोबाइल में लगा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरा पूछ रहा है आपने रजिस्टर्ड मोबाइल आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ इस नंबर, ये नंबर इस ऐप के साथ। तो अभी ये एक्सेप्ट करने बोलेगा, तो एक्सेप्ट मैंने कर दिया। तो अभी बोल रहा है कि सिम वन मेरा बैंक के साथ रजिस्टर्ड मतलब ज्वाइन है, या सिम टू मेरा आइडिया का जो सिम वन है ये बैंक के साथ अटैच्ड है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तब एक मैसेज जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कन्फर्मेशन यूपीआई रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्चुअल आईडी है, इसी वर्चुअल आईडी की मदद से हम कैशलेस शॉपिंग कर पाएंगे विदाउट किसी से अकाउंट पूछे बिना। सिर्फ दुकानदार से पूछना है, हाँ आपका वर्चुअल आईडी हमें बता दीजिए, आप सीधा वर्चुअल आईडी उसका लेके यहाँ पे इनपुट करेंगे, अमाउंट इनपुट करेंगे, जस्ट पे आउट कर देंगे। बहुत सिंपल ऐप है। तो देखते रहिए कैसे कैसे इसे ऑन करना है। सिंपल वर्चुअल जो भी एड्रेस बनाना है वो आपको कुछ भी मन से अपना सोच लेना है, जैसे अब आप ईमेल एड्रेस के लिए कुछ सोचते हैं वैसे यहाँ पे कुछ भी सोच लेना है। उसके बाद आपको बैंक आपका सेलेक्ट करना है। तो मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, और सारे टर्म्स का एग्री करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है जस्ट। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे शो हो चुका है, और मेरा जो अकाउंट होल्डर नेम जो मेरा प्रॉपर एग्जैक्ट बैंक के साथ अटैच है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। जस्ट सिंपली मैं रजिस्टर करूँगा। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूपीआई रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, और यहाँ पे मैसेजेस भी आ रहे हैं सक्सेसफुल होने के। ओके, यहाँ पे इस ऐप को हमें यूज़ करने के लिए एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना रहता है, तो अब हम वो सेट करेंगे। तो 6 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लिया। अब आपको स्टार्टिंग में जो आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन और आंसर रखा था वही यहाँ पे भी इनपुट करना है सेम एज इट इज। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि पासवर्ड सेट सक्सेसफुली, एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है सक्सेसफुली सेट हो चुका है। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड सेट किया है उसे इनपुट करना रहेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑन होगा, पर ये एप्लीकेशन जब ऑन होगा तो यहाँ पे एक यूपीआई पिन आपको सेट करना रहेगा जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड टाइम काम आता है। जब कोई भी आप पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करते हैं तो स्पेसिफिक पिन पूछा जाएगा 4 डिजिट का, जो आपको सेट करना रहेगा। जैसे हम डेबिट कार्ड से कुछ शॉपिंग करते हैं तो कुछ डेबिट कार्ड में भी 4 डिजिट का हमारा पासवर्ड रहता है, पिन रहता है, तो वैसे यहाँ इसमें भी सेट करना रहेगा। तो चलिए अब सेटअप यूपीआई पिन पर भी क्लिक कर लेते हैं। देखिए मैंने सेटअप यूपीआई पिन पर क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरनी रहेगी अपने डेबिट कार्ड की,
तो जैसे यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड लास्ट डिजिट, लास्ट 6 डिजिट आपको एंटर करना रहेगा। तो चलिए एंटर कर देते। आपको एक्सपायरी डेट इसमें डालनी रहेगी, जो भी मंथ और ईयर रहेगा वो इसमें इनपुट करना है। तो चलिए इनपुट कर लेते हैं। तो मंथ और ईयर मैंने इनपुट कर लिया, अब सबमिट पे क्लिक कर लूँगा। अब यहाँ पे वन टाइम ओटीपी पासवर्ड आ जाएगा, जो भी वन टाइम पासवर्ड है ओटीपी आ जाएगा, आपको दिखेगा, तो आपको इनपुट करना रहेगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी पिन अपना डाल दिया है, अब इसे सबमिट कर दूँगा। तो मैंने ओटीपी डाल दिया, अब मुझे अपना सीक्रेट पिन जनरेट करना है, जो भी 4 डिजिट का है वो रखना है यहाँ पर। तो सीक्रेट पिन मैंने जनरेट कर दिया है यहाँ पर, और देखिए एम पिन है सक्सेसफुली लिंक टू योर अकाउंट। अब बैक पे क्लिक कर देना है। अब आप इजीली कहीं पे भी मार्केट में कैशलेस शॉपिंग कर सकते हैं विदाउट किसी से उसका अकाउंट नंबर जाने। सिर्फ उसे पूछना है कि जो भी मर्चेंट रहेगा, दुकानदार रहेगा, कि हाँ सर आपकी जो भी वर्चुअल आईडी है वो मुझे बता दीजिए, मैं आपको पे कर देता हूँ। सिंपल काम रहेगा। पे करना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सिंपली पे पे क्लिक करना है। पे पे आप क्लिक करेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उसके बाद सेलेक्ट पे एड्रेस टाइप UPI आपका है, उसका पे वर्चुअल आईडी आप जो भी दुकानदार से पूछेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद पे नेम, जो भी पे नेम रहेगा जिससे आप पे कर रहे हो उनका नाम पूछ लेंगे, जो उनका अकाउंट अकाउंट में नेम रहेगा। उसके बाद रिमार्क्स में वही लिखना रहेगा कि आप उन्हें पे क्यों कर रहे हैं, आपने कुछ शॉपिंग की है, कुछ लेन देन कर रहे हैं, वो आपको लिखना है। और ट्रांजेक्शन में अमाउंट आपको लिखना है, कितना आप उसे पे करना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में आपको 4 डिजिट का आपका एम पिन पूछा जाएगा कि हाँ आपका ऑथेंटिकेशन पिन क्या है, वो यहाँ पे इनपुट कीजिए, उसके बाद ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। वो पिन एंटर करते ही आप पे पे क्लिक करेंगे, जस्ट पे आउट आप कर देंगे। सिंपली आप इस तरीके से मार्केट में कैशलेस शॉपिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ आपको अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे अपडेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का यही फ़ायदा रहेगा कि हम जब भी न्यू वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता चल जाएगा कि कौन सी न्यू वीडियोस अपलोड हुई है। और इस चैनल से के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, फ्री सब्सक्रिप्शन है। और आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक फिट चैनल।